माफ़ कर दो सितारा, आपकी बदुआ लग गई है, जो सितारा की बदुआ लग गई है, मैंने उसका दिल दुखाया है ना, शायद सितारा ने बदुआ दी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, और सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पर और मैं बनाने लगी हूँ जी गरम गरम दाल वाले पराठे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा जितना हमें चाहिए ना उतना आटा मैं निकालूंगी। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है, और ये रेसिपी किसकी है, ये रेसिपी मेरी नहीं है, ये रेसिपी हमारी बहुत प्यारी सी यूट्यूबर है नताशा वकास, वो बहुत ज़्यादा ये बनाती हैं अपने घर में। तो ये मैंने उनकी फॉलो की थी, बहुत टाइम पहले मैंने बनाई थी, जो मुझे बहुत मज़े की लगे थे ये पराठे ना, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये मेरी रात वाली दाल है जो कि बच गई थी, और मैंने कहा चले इसके बना लेते पराठे। दाल डाल दी है, साथ में मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और नमक और कुटी हुई मिर्चें, और एक छोटा सा प्याज आप बारीक कट करके डाल दें या कद्दूकश कर लें, जैसे आपको आसानी हो ना उस तरीके से आप करके इसको डाल दें। और जो दाल में हमारी साबुत मिर्ची होती है ना गोल वाली, उनको आप हाथों से मसल लें, ताकि हमारे जो ना आटे में दाल में थोड़ा फीकापन अच्छा लगता है। तो इसको हमने अपनी दाल से ही गूंद लेना है। आप इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्चें काट के भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है, जैसे आटा गूंदता है ना, बस उसी तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। मज़े वाला देखें, हमारे दाल वाला ना आटा गूंद के रेडी हो गया है। और इसके पराठे इतने हल्के होते हैं ना, आप दो तीन पराठे ना ऐसे ही बंदा खा ले, जैसे नॉर्मल पराठे बनते हैं ना सेम वैसे ही बनेंगे। इसके हम पेड़े लेंगे, पेड़ा लेके हम इसका बनाएंगे, और इसको खुश्की लगा लगा के ना इसको हम बेल लेंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से देखें हम सारे पराठे बना लेंगे। और ये बहुत यूनिक स्टाइल से बन रहा है, क्योंकि अक्सर में आपने देखा होगा हम सादा आटा लेते हैं, दाल अपने उसमें भरते हैं, फिर हम बनाते हैं, आपको याद है ना। लेकिन ये थोड़ी सी न्यू है रेसिपी, लेकिन बहुत मज़े की है। जब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाई थी ना, तो मेरे घर में मेरी बड़ी तारीफ़ हुई थी, मेरे हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ की थी। आप लोग भी एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा इसको, ये बहुत मज़े की बनेंगी। तो यहाँ पे मैंने एक पराठा जो मैंने बेल के ना इसको डाल दिया है। आप चाहे तो छोटा बना लें, बड़ा बना लें, जिस साइज़ का आपका दिल करता है ना उस साइज़ का बनाएं, ठीक है जी। अब इसको मैंने घी, हाँ मैं घी इस्तेमाल करती हूँ, मैं ना पराठों में ऑयल इस्तेमाल नहीं करती, एक तो गला बहुत ख़राब है। तो घी डाल दिया है मैंने, और मैंने इसको अच्छा सा सेक लिया है, और देखिए कितना सुरख सुरख लग रहा है ना ये। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मज़ेदार मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूं, और अन करीब आपको बहुत यमी यमी सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। और बहुत जल्द पता आप लोग दुआ करें कि मैं अपना घर बनवा लूँ, जब मैं घर की सेटिंग करूँगी, घर का मेक ओवर करूँगी, वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी अपनी पूरी सेटिंग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपना घर ले लेंगे हम, घर तो ले लिया है, बस बनवाना बाकी है उसको। यहाँ पे एक साइड पे हमारी चाय बन रही थी, और दूसरी साइड पे हमारे पराठे सिक रहे थे। गरम गरम पराठे सुबह में ये बहुत मज़े के लगते हैं। इंशाल्लाह लच्छे वाले पराठे भी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये देखें चाय बनी है, ये देखिए जी चाय, ठीक है जी ये चाय है, साथ में ये अचार है, साथ में मैंने हरी मिर्चें फ्राई की हैं, और ये जी मज़े वाले पराठे। और यहाँ पे पटा पानी है, वो टूट जाता है थोड़ा सा बीच में से निकल गया। हाँ, और ये हस्बैंड बैठे हुए, अब नाश्ते के लिए बैठ गए हम लोग। कैसा मजे का लग रहा है नाश्ता ना, हर चीज रात में भी वीआईपी था, आज भी जबरदस्त है। देसी नाश्ता, देसी नाश्ता। और ये पराठे तो बहुत मजे के लगते हैं, बनने में ही ऐसे जबरदस्त है, खाने में कितने, खाने में वो चाय से तो बहुत मजे के लगते हैं। अभी जोहर को भी, हाँ इसको भी तोड़ के दे दो भाई। चल अभी हम लोग नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद हम कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग को बताएंगे। पहले भी नाश्ते से फारिग होते हैं, क्योंकि किचन भी मेरा ना पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, किचन भी साफ करना है, सारे बर्तन ऐसे रखे हुए। मैं नहीं बताऊंगी आपको कैसा बना है, नहीं खा के देखा है, नमक वगैरह सही है, जबरदस्त बना हुआ। चलो ठीक है जी, अभी लोग नाश्ता कर रहे हैं, मैं तो कर चुकी हूँ नाश्ता, अभी पापा और जोहा नाश्ता कर रहे हैं। हाँ चाय ध्यान से पीना, गर्म हो रही है बेटा। अब मैं ये किचन में आ गई हूँ, अब यहाँ पे जरा मेरे थोड़े से बर्तन पड़े हुए नाश्ते वाले, इनको फटाफट निमटाती हूँ, चूल्हा वूल्हा साफ़ करती हूँ, किचन को पूरा क्लीन करती हूँ अभी मैं। ओके जी, ये देखें मेरा सारा किचन साफ हो गया है, बिल्कुल मैंने चमका दिया है, ये देखें जी सारा चमका के, ये देखें जी चूल्हा वूल्हा सब साफ़ कर लिया है माशाल्लाह से। ये जोहा के काम देखें, यहाँ पे मैंने सफाई भी कर ली है, किचन भी साफ हो गया है, और जोहा फिर फैलाने में लगी हुई है सारे खेल खेल में ना। चलो तैयार करूँगा, चलते हैं, चलो जाना है हॉस्पिटल जाना है, चलो चलो शाबाश। जोहा को रेडी कर रही हूँ अभी जल्दी से मैं, और खुद भी रेडी होती हूँ, फिर चलते हैं आ जाओ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब खैर वाकई से होंगे। मेरी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से, और मैं रेडी हो गई हूँ, अभी हम जाने लगे। और जोहा जो है ना, आई थिंक किसी का घर बन रहा है, सामान आया हुआ है। हाँ
इतने बड़े बड़े कीड़े हो रहे बाहर। अच्छा जी, हम लोग और बाहर हवा देखे कैसे चल रही है, वो सारा कुछ उड़ उड़ के आ रहा है ना। अभी हम लोग जाने लगे हॉस्पिटल और मैंने जोहा पता नहीं कहाँ चली गई है। तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मेरा जो आज सेशन है, आप लोगों को पता है ना, मेरे आपने देखेंगे ये जो निशान है, ये निशान है, और जो मेरे इधर हल्के के डार्क निशान है ना, इनका मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। तो अभी मैं जाने लगी हॉस्पिटल, मेरा आज सेशन है लेज़र, तो मैं वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काम सारे मैं करके जा रही हूँ क्योंकि आके भी मुझे किचन में नहीं घुसना है, कि वो जो आग जो होती है ना उस पर हीट पे हीट के पास नहीं जाना होता, तो इसलिए मैं सारा काम पहले से करके जा रही हूँ। तो जब आऊँ तो मुझे कोई काम ना करना पड़े, सफाइयाँ, खाना वाना पकाना सब मैं करके जा रही हूँ। तो और आपको पूरा दिखाऊंगी कि लेज़र ट्रीटमेंट कैसा होता है मेरा। एक मैंने फर्स्ट सेशन तो दिखाया था, आई थिंक ये मेरा आज फोर्थ सेशन है, हाँ फोर्थ सेशन है मेरा ये। तो ये कैसे होता है और मुझे इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई है भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और ये जोहा भी आ गई है। हाँ जी, क्या है, क्या क्या चीज़? जोहा आगे मत जाओ, पापा आ रहे बेटा। तो बस निकलने लगे, वो लाइट हमारी 3 बजे की गई हुई है जी। अल्लाह, ये क्या मट्टी उठा के लेंगे? लो ये आप हटाओ, हाथ कपड़े गंदे हो जाएंगे। जोहा जा रहे हैं ना, ठीक है ठीक है, लेकिन आप वहाँ उसको दे दो मेरे बेटे, कपड़े गंदे होंगे। बच्चे खेल रहे हैं पौधे लगाने वाला, और हमारे पौधे भी है माशाल्लाह से बहुत अच्छे खिले खिले से हो रहे सारे। बस लेकिन हस्बैंड ने पानी नहीं दिया, इनको बोलूँगी आज आके पानी दें इसको। अब देखिए सामने ट्रक आया हुआ है बजरी का, और देखिए मुझे लग रहा है घर बन रहा है किसी का। अल्लाह पाक मेरा घर भी जल्दी से बन जाए। तो हाँ, आप नहीं करना ऐसे, कपड़े गंदे हो जाएंगे बेटा। अच्छा, ये है जी मेरी पूरी फाइल है, ये इसमें जो जो मैंने पे किया है, जो जो मेरा ट्रीटमेंट हो चुका है, उसकी सबकी यहाँ पे स्लिप्स लगी हुई हैं। ये देखें, ये आओ दुआ पढ़ो, आ जाओ। ये सामान उठा लिया मैंने, अभी यहाँ पे टांग देती हूँ इसको। चलो हटो हटो, पापा के बाइक पे टांगने दो। चलो जी, दुआ की दोस्त वो बैठी हुई है, तोड़ दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मम्मा डाल के दे देंगी दोबारा। ठीक है, जाओ बैठो, भूम पे बैठो, जाओ 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 बैठो भूम पे, आ जाओ। सुहा दुआ पढ़ो बेटा, पूरी पढ़ो। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो, हनी ताला मार दिया। चले भाई, हम लोग निकलने लगे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह पाक साथ पहले से लेके जाए। चलो बिस्मिल्लाह रही, ये अल्लाह खैर। पहुंच गए हैं और ये रहा मेडी लाइफ ट्रेनिंग, अभी जा रहे हैं अंदर, लाए मेरा वो देते हैं शॉपर, मुझे फाइल दे दें शॉपर में से खाली। आप लोग भी आ जाए ना, अंदर ही आ जाओ। चुके हैं अभी, ये मैंने अपने हाथ में उठा लिए फाइल है, वो अपने जा रही हूँ रिसेप्शन पे बैठना पापा के साथ। ठीक है, नहीं नहीं आपने यहीं बैठना है, ठीक है, पापा के पास बैठो, मम्मा आ रही है। ठीक है, चले जी, हम तो पहुँच चुके हैं, थोड़ा वेट कर रही हूँ, वो बात कर रहे हैं डॉक्टर से, मेरा नंबर आया, क्योंकि रश बहुत होता है भाई यहाँ पे, नीचे वेटिंग करना, वेट पे बैठना पड़ता है। जोहा भी आ गया, सो अपनी शर्ट सही करो बेटा, शर्ट सही करो भाई। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं, अब जोहा मेरे साथ साथ ही हैं, अब अंदर जाके ट्रीटमेंट हमारा शुरू होने वाला है। हाँ जोहा, जोहा तो जब मेरे साथ हमेशा आती हैं। और यहाँ जी मेरा स्टार्ट हो गया था ट्रीटमेंट बहुत टाइम के बाद। इधर ना वेट बहुत करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना इधर लेडीज़ का रश होता है। सबसे पहले यहाँ पे जी इन्होंने आई थिंक क्लीजिंग थी या पता नहीं मार्क्स था, तो मैं तो आराम से लेटी हुई होती हूँ, मुझे पता नहीं चलता क्या है, बस जो भी था वो लगा के इसको अच्छे से मसाज किया है। अच्छा जी, इधर हाइड्रा फेशियल और हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा ना मशहूर है ये कराची में, मेडी लाइफ क्लिनिक के नाम से एक हॉस्पिटल है जहाँ पे स्किन ट्रीटमेंट होती है, बहुत सारी ट्रीटमेंट यहाँ पे होती हैं, हाइड्रा फेशियल और लेज़र ट्रीटमेंट और पिगमेंटेशन और बीबी ग्लो, बहुत सारा होता है। अच्छा जी, अब ये जब मेरा मसाज हो गया था तो जेल लगा के ना, फिर वो जो पता नहीं एक मशीन से क्या लगाया था उसको PRP कहते हैं या पता नहीं पीको कहते हैं, वो सब हुआ था, उससे मेरा चेहरा ना बहुत ज़्यादा ग्लो हो गया था। ये देखें, अच्छा आप लोग कहते हैं ना कि मेरा चेहरा ग्लो, मेरा चेहरा वैसे भी
ग्लो करता है, लेकिन मैं ये जब से मैंने ये ट्रीटमेंट लेना शुरू किया है ना, तो उससे ज़रा ज़्यादा हो गया है। अब ये जो है आपकी जो स्किन पे डेड स्किन होती है ना, उसके लिए ये इस तरह का पाउडर लगा के फिर वो मशीन से आपकी जो डेड स्किन हो जाती है ना वो लगाते, वो ये लोग इस तरह से करते हैं, जो आप आगे ना आपको आप लोग देखेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इससे जो है ना आपकी जितनी भी डेड स्किन होती है ना आपके फेस से, वो सब रिमूव हो जाती है। ठीक है जी, तो इधर ना हाइड्रा फेशियल, अगर आप लोग फेशियल वगैरह लेते हो ना, तो मेरे ख्याल में आप लोग हाइड्रा फेशियल लिया करो, उससे ज़्यादा आपको ना बेनिफिट मिलते हैं, बहुत फ़ायदे मिलते हैं, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो होता है। वैसे तो जब से मेरा ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है ना, तो मैं ना कोई भी फेशियल नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरा हर 15 डेज़ के बाद यहाँ पे सेशन होता है, तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ से मेरा काम हो जाता है। अच्छा सा मसाज, क्लीजिंग, डेड स्किन सब कुछ तो निकल जाती है, और फिर PRP, कार्बो सब कुछ हो जाता है इधर। अब यहाँ पे जो है ना इन्होंने ये ब्लैक मार्क्स लगाया है, इसके बाद जो है ना जैसे वो लेज़र होता है ना वो होगा। अब बीच में जो है ना यहाँ पे मेरे इंजेक्शन लग रहा था, जो कि मेरा लेज़र का ही एक पार्ट है, जो मेरे पिगमेंटेशन है फेस पे। अच्छा पिगमेंटेशन पता है मेरे क्यों है फेस पे? पिगमेंटेशन ना मेरी बड़ी बेटी के टाइम पे नहीं था, मेरी छोटी बेटी के टाइम पे जो है ना पिगमेंटेशन मुझे हुआ है, और फिर वो जो ना मैंने उसको ज़्यादा लाइट, मतलब ना मैंने इतना वो नहीं लिया था उसको ना सीरियस, तो वो बहुत ज़्यादा ना मेरे फेस पे बढ़ता गया। फिर जैसे मैं जो ना मेडिकल है मेरे बहनोई का, तो मैं वहाँ से क्रीम वगैरह यूज़ करती हूँ, तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन फेस पे है निशान, जैसे आपको पता ना मेरे अपर लिप पे, मेरी नोज पे फील होता है। तो यहाँ पे मुझे पता चला था कि यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट है, तो मैं यहाँ आई, मैंने यहाँ पे जब कंफर्म किया तो उन्होंने कहा हाँ लेज़र ट्रीटमेंट हम करते हैं पिगमेंटेशन का, चेहरे पे झाइयाँ, जिस तरह का भी आपके फेस पे कोई भी स्कार्स वगैरह हों तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और आज ना मेरा चौथा सेशन है, मेरा फोर्थ सेशन आज डन हुआ है, और ये सब भी मेरे लेज़र पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट का पार्ट है। अभी जो मेरे मार्क्स में ब्लैक लगाया था ना, अब ये शुआओं से जो है ना उसको ये कर, पता नहीं क्या होता है, ये पूरा ट्रीटमेंट मैंने आपको सामने दिखा दिया है, बहरहाल मुझे नहीं पता इसमें इनके क्या क्या करते हैं, बस मुझे इतना पता है PRP होती है एक नीडलिंग वाली, सबसे ज़्यादा डेंजरस ना और तकलीफ़ दे मुझे वो होती है भाई। लेकिन देखें क्योंकि मेरा फेस अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अब तक बिल्कुल साफ था, इवन कि मेरे फेस पे एक पिंपल कभी नहीं रहा, लेकिन मेरी छोटी बेटी के टाइम पे जो है ना मैं बहुत टेंशन में रहती थी बड़ी बेटी की वजह से, उसकी वजह से ना मेरे फेस पे ये पिगमेंटेशन हो गई थी, क्योंकि मैं मेडिसिन वगैरह भी टाइम पे नहीं खाती थी, और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी अपनी बड़ी बेटी की वजह से, तो इस वजह से ना वो टेंशन की वजह से मेरे फेस पे जो है ना पिगमेंटेशन आ गई थी, और फिर मैंने उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, तो वो बढ़ती बढ़ गई। तो फिर अब जाके मुझे ख्याल आया नहीं जी थोड़ा सा अपने ऊपर भी ख्याल करना चाहिए। अब देखें जी जब मास्क लगा लिया है, अब मास्क लगाने के बाद फिर यहाँ पे एक जेल टाइप लग रहा है। अच्छा इनका बहुत प्यारा ट्रीटमेंट है, जब आप करवाते हैं ना बहुत ग्लो करता है फेस, इतना ग्लो करता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, शाइनिंग कर रहा होता है आपका फेस। अब यहाँ पर जो है ना आज ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि इन्होंने मुझे इंजेक्ट किया है फेस पे, तो मैं तो खुद डर रही थी और मुझे रोना भी बहुत आ रहा था। तो ये इन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ आपके थोड़े थोड़े ब्राउन स्कार्स हैं ना, हम उसको डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे। तो फिर मैं भी मैंने बार बार पूछी थी महंगा क्लिनिक, उन्होंने कहा नहीं जी हमारा ये रोज़ का काम है, रोज़ का हमारे पास इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जिनके फेस पे स्कार्स होते हैं, और आपके तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास इस तरह के क्लाइंट्स भी आते हैं जिनके फेस पे पूरा फेस भरा हुआ होता है पिगमेंटेशन से, झाइयों से, दानों से, हम हर उस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा सबसे ख़तरनाक ना इनका ये वाला ट्रीटमेंट होता है, इसमें जो है ना मेरी जान निकल जाती है, ये निडलिंग होती है, इसको PRP भी कहते हैं, इसमें जो ना सुइयाँ होती हैं जो ना वो राउंड राउंड घुमाते हैं ना, बहुत तकलीफ़ होती है। मैं जो है ना इस चीज़ से बहुत डरती हूँ, बाकी तो सब चीज़ नॉर्मल होती है, लेकिन इस चीज़ से ना मेरी जान निकल जाती है। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा जब मेरे स्कार्स वगैरह ये ख़त्म हो जाएँ तो मेरी जान भी छूट जाए कि मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरा चेहरा बहुत अच्छा हो गया है माशाल्लाह, जब से मैंने ये ट्रीटमेंट लेना शुरू किया है। लेकिन जो थोड़ा बहुत है जो मेरे अपर लिप्स वगैरह पे है ना ब्राउन स्कार्स, बस ये भी ख़त्म हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। थे हम जब भी लाइट नहीं थी, अब आए तब भी लाइट नहीं है। जोहर ने चप्पलें उतार दी, जोहर चप्पलें बाहर रखना, और आते हुए हम ये दो शवरमे लेकर आए बस, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। ये देखें एक जोहा का एक मम्मा का, चलो अभी खाते हैं। वहाँ आपके लिए मसाला कम ही रखा है, का है इसमें कम मसाला है, ठीक है हल्का मसाला डलवाया है, ठीक है ये मामा जानी का है, चलो जी खा लो। तो रेस लगेगी, जिसने खा लिया वो विनर। पहले खोल तो लो तभी तो खाएंगे।
1 2 3 स्टार्ट। बिस्मिल्लाह तो पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह ही वाला बरकतिल्ला। गो 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 गो। चलो मम्मा भी खा रही है। मेरे ना ये फेस पे एलर्जी हो गई है थोड़ी सी। ये देखें पूरी पूरी मेरे फेस पे एलर्जी हो गई है। मुझे माफ़ कर दो सितारा, आपकी बद्दुआ लग गई है जो मेरा चेहरा पूरा ख़राब होना शुरू हो गया है। पता है पूरा चेहरा मेरा, आई थिंक मुझे सितारा की बद्दुआ लग गई है। मैंने उसका दिल दुखाया है ना, शायद सितारा ने बद्दुआ दी है तो मेरा पूरा चेहरा ख़राब हो गया है। और पता है हमारी जो बिल्ली मर गई थी ना, वो भी सितारा की बद्दुआ लग गई थी। मेरा मिसकैरेज भी हो गया था, उसमें सितारा की बद्दुआ लग गई थी मुझे। मैंने शायद उसका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है ना, शायद इस वजह से। मतलब हद नहीं हो गई है, मतलब कि हद नहीं हो गई। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ कुछ भी हो ना, देखिए हारी बीमारी दुख तकलीफ गम खुशी, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं, ये चीज़ें आप होती रहती हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे जाहिल लोग होते हैं जो कहते हैं हाँ देखो ना इसने ये इसका हुआ, अच्छा हुआ इसका हुआ, सितारा की बद्दुआ लग गई। मतलब सितारा कौन है? कोई मौलवी है, कोई आलिम है, कौन है? मतलब जब वो बद्दुआ देगी तो वो लग जाएगी? मतलब कि वो इतनी बेचारी मासूम सीधी सादी शरीफ शिरफा हाजन कि वो जो कहेगी वो बद्दुआ लग जाएगी? मतलब हद नहीं हो गई है? बंदे के चेहरे पे वैसे भी एलर्जी हो सकती है, ये पता है क्यों हुआ है? अच्छा मैं अगर मैं बोलती ना मेरे चेहरे पे तो लोग कहते देख इसको बदुआ लगी है, और कर सितारा की बुराई और कर। अबे भाई बुराई नहीं करते, उसकी असलियत दिखाते हैं बस। ठीक है, तो ये जो मैंने ट्रीटमेंट दिया था ना ये उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा जो और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ना गुड मॉर्निंग और गुड नाइट एक ही दफ़ा हो जाता है, पता नहीं इतना झूठ बोलते हैं ना कि जो नाक होती है वो फूल फूल के गुब्बारा हो जाती है। और होंठों की तो बात ही ना करो, होंठों पर जो इंजेक्शन लगाएं उससे वो और वो ना बोरियों की तरह हो गए, जो फूल के गुब्बारा ही होती हो ऐसे बिल्कुल। और उसको बना बना के गुड मॉर्निंग गुड नाइट इस तरह से बातें करती है ना, तो वो और फूल फूल के बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और फिर मियाऊ का जिक्र आ गया, तो भाई मियाऊ को जाने क्यों दिया? मियाऊ को जाने क्यों दिया? अटैचमेंट हो जाती है, फलाना हो जाता है। तो सोचो जब तुमने किसी से 18 साल की अटैचमेंट एक बंदे के साथ तुमने वो निगल लिया पूरा का पूरा बंदा, जब तुम्हें तकलीफ नहीं हुई, दुख नहीं हुआ है? सोना चाय वाली बाई नहीं हुआ? कोई बात नहीं, तुम्हें होगा भी नहीं। असल में इस चाय वाली बाई को ना पता है टेंशन क्या है? इसको छोटी छोटी सी मुन्नी को टेंशन इसलिए होती है, चैनल अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है, चैनल तबीयत सही नहीं है, चैनल, इसको सिर्फ चैनल का ही बुखार रहता है। बस दिन रात सोते जाते उठते बैठते इसको चैनल का ही बुखार रहता है बस भाई। और वो हमारे एक टोपी वाले सिंधी टोपी वाले भाई भी आए थे, उन्होंने वीडियो बनाई थी एजाज भाई ने, हाँ एजाज अंकल ने, तो उनके लिए सिर्फ एक गाना है, कुछ भी ना कहा कुछ कहे भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। तो ये उनके लिए गाना है, तो व्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग प्लीज़ अगर जानना चाहते हैं कि ये ट्रीटमेंट का, आप लोग मुझे बताया बहुत क्वेश्चन आएंगे आप ही कौन सा ट्रीटमेंट करवाया था, क्या ट्रीटमेंट करवाया था, तो मैं फिर एक इसके लिए स्पेशली अलग ब्लॉग बना दूंगी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।